जमशेदपुर में रामनवमी से ही तनाव था, लेकिन प्रशासन समझ नहीं पाया। जब मंदिर के झंडे में मांस मिला तो ये तनाव पथराव, आगजनी और हिंसा में बदल गया। और अब हिंसा तो थम गई है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। पुलिस मुस्तैद है, फ्लैग मार्च लगातार हो रहा है। फिर धर्म की आंच, मंदिर झंडा मांस विवाद, सुलग उठा जमशेदपुर, जल्दी जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए, आगजनी पथराव हिंसा, छह पुलिस वाले चोटिल, धारा 144 फ्लैग मार्च। फिर सुलग उठा झारखंड का शहर जमशेदपुर, फिर हुई आगजनी, फिर चले पत्थर, फिर चला हिंसा का दौर। पहले मंदिर परिसर में मीटिंग पर हुआ पथराव, बाद में उपद्रवियों ने जलाई दुकानें। नाकाम रहा पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस टीम पर भी हुआ पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शनिवार को तनाव और बढ़ गया, जब शास्त्री नगर ब्लॉक में मंदिर में महावीर झंडा उतारे जाने के दौरान बांस में मांस के टुकड़े बंधे मिले। खबर आग की तरफ फैली, तनाव भी उसी रफ्तार में फैला। पुलिस फौरन पहुंच गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर माहौल शांत करा दिया। लेकिन बीती रात जब उसी मंदिर परिसर में मंदिर की कमेटी के लोग बैठक कर रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते दो समुदायों के कुछ लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच पथराव के साथ हिंसक झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने उस दौरान कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस एक बार फिर मौके पर पहुंची, लेकिन इस बार उपद्रव शांत करने में नाकाम रही। यहां तक कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प के दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिचुएशन अभी पीसफुल है, जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है, अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अशांत माहौल को देखते हुए मैजिस्ट्रेट, QRT, RAF की टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम के DC विजय जाधव ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना लिख के किसी को भेजे। प्रशासन अब हालात काबू में बता रहा है, लेकिन तनाव अब भी है, गुस्सा अब भी है, दोनों समुदाय में अविश्वास अब भी बरकरार है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, शहर में अमन चैन कैसे लौटेगा? जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।